हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह हो गई और देखिए सुबह सुबह जा रही हूँ मैं ऑयलिंग करने के लिए। कोकोनट ऑयल दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। आज है वेडनेसडे, वेडनेसडे को ना हेयर वॉश कर लेती हूँ। संडे को ना ऑयलिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे जाना था मार्केट, तो जल्दी जल्दी नहा लिया था, तो जिस चक्कर में ऑयलिंग हो ही नहीं पाई थी मेरी। हाँ बोलो, क्यों, मैं कौन हूँ डुग्गू, मैं कौन हूँ, आरजू हूँ मैं। अब नहीं बोलता जब वीडियो बनाऊंगी इसकी। और गिर नहीं जाओगे, ऐसी ऐसी गिर नहीं जाओगे बाइक पे। सही से बैठो, सही से बैठो। चलानी आती आपको क्या? फोटो खींच दूँ? हाँ वीडियो बना रही हूँ मैं, कह रहा है फोटो। फोटो में हंस के दिखा जल्दी, फोटो खींच रही हूँ, फोटो खींच रही हूँ, हंस के दिखा जल्दी। हंस दो बच्चा, हंस दो। भाभी का बेटा ना इतना ज्यादा क्यूट लगता है, ये जिस तरीके की बातें करता है ना शॉर्टकट में, वो मुझे सबसे ज्यादा क्यूट लगती है। अगर एक बार, जैसे कि हफ्ते में मैं 2 बार ऑयलिंग करती हूँ, एक बार मैं ऑयलिंग ना करूँ तो मुझे इतना ज़्यादा मेरे ड्राई हेयर हो जाते हैं, क्योंकि मेरी जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, जिससे बाल ना मेरे बहुत ज़्यादा फिर टूटने भी लगते हैं। लास्ट संडे ना मैंने हेयर वॉश नहीं कर पाया था, ना ही अनियन वाला ऑयल लगा पाया था, तो इसीलिए ना आज मैं सुबह ही सुबह बैठ गई ऑयलिंग करने के लिए। तो ऑयल वॉइल जो है वो बालों में लग चुका है। चलो अभी पी लेते हैं मॉर्निंग वाली चाय। मैंने आज सुबह चाय नहीं पी थी, कभी कभी नींबू पानी पी लेती हूँ, कभी कभी चाय। और देखिए भैया कैसा रिएक्शन दे रहे हैं ना, भैया इतनी हंसी दिलाते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। और ये देखिए मैं कहाँ पे आ गई हूँ, ये है हमारे घर के बाहर लगा हुआ है आम का पेड़, और काफ़ी सारे आम अभी इस पे लगे हुए हैं। बहुत सारे तो इस पे टूट गए हैं क्योंकि बिल्कुल लास्ट ही बचे हुए हैं आम, अब नहीं रह गए हैं। लेकिन अभी भी देख सकते हो आप लोग कितने सारे आम लगे हैं ना, और पेड़ पे ऐसे लटकते हुए आम मुझे इतने ज़्यादा प्यारे लगते हैं ना। यहीं से तोड़ के खाओ यार, मज़ा ही कुछ और होता है, मतलब मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। घर पे ना लौकी और तोरई की सब्जी बनने के लिए जा रही है, तो दोनों के लिए ना कच्चे आम की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं तोड़ के लेके आती हूँ। मैंने सोचा कि पहले ना आन्या से तोड़वाती हूँ, तो एक आम अन्नु से तोड़वा लिया है, क्योंकि ये जिद कर रही थी कि मम्मी हमें भी एक तोड़वा दो, एक तोड़वा दो। उसके बाद अब मैं खुद तोड़ती हूँ, आम थोड़े से ऊपर है तो मुझे ना थोड़ा सा उछल के तोड़ना पड़ेगा। सो गाइज, आम जो है हमने तोड़ लिए हैं, 4 आम की ज़रूरत थी तो 4 तोड़ लिए। अभी भी इसमें बहुत सारे आम लगे हुए हैं, चाची ने अचार भी रख लिया है। छोटा सा पेड़ है लेकिन ना इस पर आम बहुत मस्त मस्त आते हैं, और ना एकदम कलमी आम है, मीठा मीठा, खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। यहाँ पे ना देखो कितने अच्छे अच्छे पौधे लगा रखे हैं चाचा ने, ना उधर साइड और भी बहुत सारी चीज़ें लगा रखी है। किसी दिन जाऊँगी ना तब आपको दिखाऊँगी जाके। सब्जी ना सारी कट के एकदम रेडी हो चुकी है, ये प्याज लहसुन में धुल रही हूँ। जितनी भी सब्जी है ना, ये लौकी कटी रखी हुई है और ये तोरई की सब्जी, तो लौकी बनेगी लौकी चने की दाल और भरवा तोरई की सब्जी। एक सब्जी में कच्ची आमी मतलब ऐसी पड़ेगी, छील के ऐसी सजी डाल दो, और एक सब्जी में पड़ेगी काट के और पीस के, मतलब कि जो लौकी की सब्जी उसमें सजी आमी डालेंगे। तो देखिए दाल जो है वो पहले ही भाभी ने भिगो के रख दी थी, क्योंकि चने की दाल बनने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको बस धुल के अभी कुकर में रख दे रहे हैं। इसी में डाल दी है लौकी और इसी में डाल दिए हैं आम। तो भाभी कुछ अलग तरीके से दाल बनाती हैं, कैसे बनाती हैं ये चीज़ भी बताऊंगी। और ये देखिए नाश्ता आ चुका है हमारा, हमारे गांव में ना जलेबी समोसे इन सब की दुकान है, तो वहीं से भैया लेके आ गए थे, तो दही और जलेबी के नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद खाना पीना बनाएंगे।
तो ये देखिए भाभी ना इसमें मसाले वगैरह डाल दिए थे, हल्दी मिर्च धनिया नमक, तो इसको चढ़ा दिया है कुकर पे। बेसिक मसाले डाल के इसमें सीटी लगाएंगे जब तक दाल पक नहीं जाती है। और ये तोरई जो है इसमें भी मसाला भर लिए थे, वही बेसिक मसाले। रेसिपी तो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से बनाई जाएगी। तोरई की सब्ज़ी ना जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनने में, क्योंकि तोरई में होता ही क्या है बनने के लिए, बस अच्छे से मसाला भुन जाए और जो भी थोड़ा बहुत पानी होता है वो सूख जाए। और दाल जो है वो सीटी आ गई थी 3-4, क्योंकि दाल पहले से भिगो के रखी थी ना इसलिए। तो ये प्याज अभी भूंज रहे हैं, लंबा लंबा प्याज हमने कट किया था और इसी में डाल दिया है पिसा हुआ प्याज। और इसमें अभी डाले जाएंगे मसाले। मसालों में ना भाभी ने काला नमक डाला था और गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले ना बाद में ऐड किए जाते हैं, पहले जो बेसिक मसाले हैं वो डाल दिए जाते हैं, शुरू में नहीं डाले जाते गरम मसाले वगैरह। और ये देखिए दाल जो है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। इसको थोड़ा सा मतलब चमचे से ही हम लोग ऐसे चलाएंगे कि अच्छे से मैश हो जाए। सब्जी वगैरह सारी चीज़ें एकदम बन चुकी हैं। मैं आ गई हूँ छत पे, सोचा छत पे जब तक झाड़ू और पोछा कर देती हूँ तब तक ज्योति और भाभी जो है वो रोटियाँ बना रही हैं, उसके बाद जाके मैं बर्तन वगैरह देख लूँगी। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा करती हूँ पूरे में, उसके बाद जाऊँगी मैं नीचे। शादी के घर में ना काम बहुत सारे हो जाते हैं, मतलब पूरे दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता ही रहता है, फिर भी काम नहीं ख़त्म होते हैं। आज ना हवा इतनी तेज चल रही है कि मुझे ना थोड़ी थोड़ी सेक्शन में झाड़ू लगा के ही कूड़ा भरना पड़ रहा है, वरना पूरा का पूरा ना कूड़ा उड़ के ना अंदर ही पहुंच जाता है। तो झाड़ू लग गई थी, जल्दी जल्दी पोछा और लगा देती हूँ, मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है। और ये कपड़े कल ज्योति ने मशीन चलाई थी तो धुले थे, बहुत सारे कपड़े हो गए थे धुलने के लिए, तो ये सूख गए, इनको कुर्सी पर रख दिया, जब कोई फुर्सत होगा तो इनको फोल्ड करेगा। सो गाइस नहा धो के एकदम फ्री हो चुकी हूँ, जा रही हूँ खाना खाने के लिए। खाना ना एकदम अलग वाली दाल बनाई है आज भाभी ने, ऐसी दाल हम लोग नहीं बनाते हैं, भाभी कुछ अलग तरीके से बनाती है। कुछ चीज़ें होता है ना अपने अपने घर का तरीका होता है बनाने का, तो खा के देखती हूँ कैसा लग रहा है। तो भाभी ने ना कुछ अलग तरीके से सब्जी बनाई है, तो मैंने टेस्ट की, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अपना अपना टेस्ट होता है, कुछ अलग खाने को मिलता है ना तो अच्छा भी लगता है। सो, अभी टाइम हो रहा है 6:30 दोपहर में ना हम लोग लेटे रहे थे, बाकी शादी की आजकल जब तैयारियाँ बड़े जोरों शोरों से चल रही है। आज ही के दिन अगले वीक आएगी हमारे घर पे बारात, तो बड़े एक्साइटेड है यार हम लोग, कितना मज़ा आता है ना लड़की की शादी में, वैसे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी मैं बैठी हुई थी भाभी के साथ में हम लोग बातें वगैरह कर रहे थे। इवनिंग बाबू, उठ गए, निन्ना अच्छी आई, आपके आपके हुआ ने कट्टू कर ली, दीदी का हुआ ने कट्टू कर ली। ओ, आपने पाउडर क्यों लगा लिया, किसने कट्टू कर ली हैं, हुआ और दीदी के भी कट्टू कर ली, दीदी कहाँ कट्टू कर ली, दीदी अच्छी है, मारोगे दीदी को, दीदी है प्यार, पुच्छा कर दो दीदी के, दीदी को पुच्छा कर दो, नहीं करोगे मन नहीं है। दिन में चाहे जितनी बार आने की चोटी करो, ये मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद ना अपनी चोटी खराब कर ही लेती है। और मैं इसके बाल ना फैले फैले रहते हैं, अच्छे नहीं लगते, और गर्मी की वजह से ना इसकी गमौरियाँ भी निकल आई हैं, तो चोटी करके रहेगी ना तो सही रहेगा। और कह रही थी मम्मा मेरे ना नेल पेंट लगा दो, ज्योति अपने लिए नेल पेंट लेके आई थी जब मार्केट गए थे हम लोग, तो ग्लिटर वाली नेल पेंट थी जो कि इन्हें बहुत अच्छी लग रही थी। और देखिए आलू टमाटर की सब्जी जो है वो छौंक दी गई है, उबाल के आलू की सब्जी बन रही है शाम को खाने में।
सो गाइस खाना जो है वो भाभी बना रही है, मैं लेटी थी, मुझे आ रही थी नींद बहुत तेज। अभी भाभी बुलाने के लिए आई थी खाना खा लो, लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं खाना खाने का, नींद इतनी तेज आ रही है। रात कल रात ना मैं 12 बजे की तरफ सोई थी, इतना ज़्यादा मुझे हेडेक हो रहा था मैं बता नहीं सकती हूँ। दिन में बिल्कुल भी मैंने रेस्ट नहीं किया है, तो बस खाना पीना जाती हूँ। रोटियाँ शायद बन रही हैं, भाभी और ज्योति बना रहे हैं रोटियाँ। खाना पीना खा के एकदम फ्री हो चुकी हूँ और अब जाके थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। मुंह वगैरह धुला मैंने, एक तो पता गर्मी से ना हालत एकदम खराब ही हो रखी है। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ मैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ जल्दी ही अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड गुड बाय।